क्या हुआ जब ट्रेन एक्सीडेंट से 3 साल की बच्ची की जान बचाने आई स्वयं इच्छाधारी नागिन, और फिर जो हुआ उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हर हर महादेव। कहते हैं यदि एक बार महादेव शिव का हाथ अपने भक्त पर पड़ जाए तो उसे मृत्यु के देवता खुद यमराज भी नहीं रोक सकते। और ठीक एक ऐसा ही चमत्कार यहाँ बिहार पटना जंक्शन के पास देखने को मिला, जहाँ मात्र 3 साल की बच्ची की जान बचाने स्वयं इच्छाधारी नागिना पहुंची। दरअसल शाम के ठीक 7:30 बजे एक बेबस महिला ने अपनी 3 साल की बच्ची को रेल की पटरी के बीच में फेंक दिया। ऐसा करके वो महिला वहां से चली गई, परंतु स्टेशन के पास मौजूद कर्मचारियों ने उस महिला पर गौर नहीं किया। जब उस स्टेशन पर 9 बजे रेल आने का समय हो गया था, तभी अचानक से एक बड़ा दिव्य काला सांप बच्ची के सामने फन उठाकर बैठा, मानो खुद नाग देवता बैठे हो। तभी कुछ लोगों की नजर उस नाग की ओर और बच्चे की ओर पड़ी तो सभी के होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने लकड़ी की सहायता से उस नाग को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नाग वहां से नहीं हटा। कुछ लोगों ने तुरंत रेलवे कर्मचारियों को सूचित करा, परंतु उससे पहले एक व्यक्ति जो महादेव का पुजारी था, उसने जब उस नाग को देखा और उस पुजारी को समझ में आ गया कि ये सांप उस बच्ची की मदद कर रहा है। पुजारी नाग के सामने हाथ जोड़ता है और उसे दंडवत प्रणाम करता है और श्रद्धा से हर हर महादेव पुकारता है। कुछ देर बाद वह नाग बच्चे से दूर जंगल लौट जाता है। ठीक जब दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पर आती तो उससे पहले उस व्यक्ति ने 3 साल की बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। दोस्तों, यह नजारा जब लोगों ने देखा तो सभी इस चमत्कार से वाकिफ थे। दोस्तों, रेलवे के एक बड़े कर्मचारी ने उस 3 साल की बच्ची का सारा कर्ज उठाया। दोस्तों, महादेव अपने चमत्कार से अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं।